आजकल के टाइम पे हमारा खान पान ऐसा हो गया है कि सबके बाल वाइट हो रहे हैं कम उम्र में ही तो खान पान में थोड़ी सी चेंजेस कीजिए और साथ में ही जो मैं आपको रेमेडी बताने लगी हूँ उसको इस्तेमाल कीजिए फिर देखिएगा कितना अच्छा रिजल्ट आएगा और हाँ अगर आप डाई लगाते हो तो ये उस पर वर्क नहीं करेगा उसके लिए आपने डाई लगानी छोड़नी पड़ेगी मेहंदी अप्लाई करना पड़ेगा और साथ ही साथ ये रेमेडी इस्तेमाल कीजिए काफ़ी अच्छी तरह से ये वर्क करती है सिंपल सी रेमेडी है इजी है बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी लगा सकते हैं बहुत ही पावरफुल रेमेडी है और हाँ इसका हंड्रेड परसेंट रिजल्ट आता है बशर्ते आपने इसको रेगुलर इस्तेमाल करना ही करना है तभी इसका रिजल्ट आएगा तो सिंपली इसके लिए आपने लेना है कोई भी लोहे का बर्तन लोहे का बर्तन ले लीजिए अब इसमें आपने डालना है मस्टर्ड ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल अपना कोई भी फेवरेट ऑयल डाल दीजिए तिल का तेल है तो तिल का तेल डाल दीजिएगा वो बहुत ही अच्छा रहता है बालों के लिए तो ये डालना है ये डालने के बाद आपने गैस ऑन कर देनी है सिम गैस पे रखिएगा गैस लो रखिएगा उसके बाद अब आपने इसमें डालना है वन टीस्पून मेहंदी पाउडर जी हाँ मेहंदी नेचुरली हमारे बालों को कलर करती है ऐसा डाई वर्क करती है काफी अच्छी तरह से बालों को जड़ से काला बना देती है तो आपने मेहंदी डालना है और साथ में ही डालना है वन टी स्पून आंवला पाउडर इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है जो कि हमारे बालों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है काफ़ी अच्छी तरह से वर्क करता है और साथ ही साथ जो हमने दोनों इंग्रेडिएंट डाले हैं काफ़ी अच्छी तरह से ये नरिश करेगा बालों को बालों की ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करता है बालों को जड़ से मजबूत बनाता है वेवी लुक लेके आता है और ऑल इन वन वे से बेनिफिशियल है बालों के लिए तो आपने ये रेडी करना है बस हल्का सा उबाल आए पाँच मिनट के अंदर आपने गैस ऑफ कर देनी है फिर ठंडा होने रख देना है ठंडा जब हो जाए आप कोई भी एयरटाइट कंटेनर में इसको डाल के स्टोर कर सकते हो वन मंथ तक के लिए आराम से यूज़ कर सकते हो अब सिंपली आपने क्या करना है अपने बालों पे लगाना है अगर आपके बाल ऑयली हैं, कोई इशू नहीं है आप उस पर भी लगा सकते हो बालों पर लगाइए अच्छी तरह से मसाज कीजिए मसाज करने के बाद दो घंटे इसको लगे रहने दीजिएगा अगर रात भर रख सकते हो तो क्या कहने काफ़ी जल्दी आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा बट अगर टाइम नहीं है तो एटलीस्ट दो घंटे लगे हुए रहन दीजिएगा तो उसके बाद आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है शैम्पू से दो घंटे के बाद या फिर पूरी रात लगाने के बाद वॉश कर लीजिए माइल शैम्पू इस्तेमाल कीजिएगा कोई भी हार्ड शैम्पू इस्तेमाल मत कीजिएगा इस तरह से आपने इसको वीकली दो से तीन बार इस्तेमाल करना है फिर देखिए बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई है तो बरबर के लाइक कीजिए शेयर कीजिए न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा मिलती अगली न्यू वीडियो के साथ टेलेंट टेक केयर थैंक सो मच गॉचिंग दिस वीडियो